लगावा करो यार ऊपर। हे महाकाल दोस्तों, आज हम लोगों का आखिरी दिन बाबा जी के दर्शन करेंगे। आज हम लोगों का आज भीड़ रहे हैं। देखो यहाँ जो काम है, सांप सीढ़ी खिलाना बंद कर दिए हैं, जो वहाँ पे बाबा की गया है। अभी हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर मजा करेंगे। तो भाई पहले यहाँ पे था कि यहाँ पूरा बैरिकेटर लगा था, ऐसे सांप सीढ़ी करके जाना पड़ता था, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, सीधा रास्ता हो गया है। सीधा हम लोग चलते हैं जल्दी से और पहुँचते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही भीड़ कम हो गई है, तो मैंने सोचा एक बार आपको विदाउट भीड़ के दिखा देते हैं। पहले इतना भीड़ थी भाई, कैमरा चलाना बहुत ही दिक्कत था। आज देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और महाकाल के दर्शन आपको आराम से होंगे। आज आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे, अंदर का नजारा दिखाएंगे, भीड़ नहीं है आज। वहां से जाते थे हम लोग पहले, एक घंटा लगता था, बट अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। भाई साहब आज सिर्फ चलते जाना, कल यहाँ पे विंध्य कितना भीड़ थी, बहुत सारा भीड़ था कल, बहुत सारा भीड़ था, बहुत ही टाइम लग रहा था, बट आज बिल्कुल भीड़ नहीं है। बस चलते जाओ और आगे देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। भाई यार आज बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, अंकल कैसा लग रहा है? बहुत मस्त है यार सच में, बस सिर्फ उधर से जाना और इधर से चले आना, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और मंदिर जो है वहाँ पे है, वो सामने वो वहाँ मंदिर है। और कल हम लोग को एक घंटा भाई उसमें इधर इधर ऐसे ऐसे रो बनी हुई है उसमें जाके। अच्छा तो इतना लगता है कि यहीं पे रुक जाए, यहीं पे बस जाए, काश यहीं सारी उम्र बीत जाए। तो भाई चलते हैं जल्दी से और सामने प्रवेश करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको मंदिर के सामने। बिल्कुल आराम से आज दर्शन होंगे, देखते रहे हमारे साथ, महाकाल के दर्शन कराएंगे आपको। तो भाई फाइनली आ चुके हैं मंदिर पास और आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और तो भाई सामने है मेरे महाकालेश्वर और चलते हैं, आज दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए, भीड़ बिल्कुल भी नहीं भाई, बस सिर्फ चलते चले आना। और अंकल जी का भी वीडियो चालू है सामने, तो भी चलते हैं, हम पहुंचते हैं और आज दिखाते हैं भाई कितना पास से देख पाते हैं। पहले तो इतना भीड़ था भाई, जल्दी से निकालते जाते हैं, मोबाइल कैमरा चालू नहीं कर सकते इतना भीड़, बट आज नहीं, आज का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही रहेगा। चलते हैं जल्दी से। तो भाई आ चुके हैं मंदिर के पास में और ये हमारे पीछे सामने मंदिर, अभी दिखाते हैं आपको और अंदर चलते हैं दर्शन कराते हैं। बाबा का मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं, ये पीछे मंदिर है, इधर से हम लोग जाएंगे रास्ता से। और अंदर थोड़ा भीड़ था, बाहर बिल्कुल भाई भीड़ नहीं, मास्क से चले आओ। अगर आप सावन के बाद आएंगे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगा, हम लोग तो सावन में आए थे, उसके बाद में जब सोमवार था उसमें तो बहुत ही भीड़ थी भाई। सोमवार का वीडियो मैंने दिखाया था, नागपंचमी का दिन, उसके बाद बहुत सारा घूम लिया भाई। इस बार मैं तिवारा जा रहा हूँ महाकाल के दर्शन करने। चलो इधर आया हूँ, चलो चलो आ।
फाइनली दर्शन कर लिए आज, बहुत ही आराम से दर्शन हुए क्योंकि भीड़ बिल्कुल ही नहीं थी। जब मैं संडे को गया था रात वाले में, उसमें भी बहुत भीड़ थी। उसके बाद दूसरा दिन था सोमवार भाई, उसमें तो सावन का सोमवार था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी जल्दी जल्दी से बस देख लो और निकल लो। आज भाई एकदम करीब से बाबा को देखने को मिला, दर्शन किया, बाबा ने दिल खुश कर दिया सच में यार। उसके बाद में यहाँ पे जितने छोटे बड़े मंदिर थे, जैसे ये पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ तो बिल्कुल आप जाके टच करके पैर छू के आराम से आ सकते हैं। और महाकाल के तो भी एकदम नज़दीक से दर्शन हुए भाई, बहुत ही अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नावाला बउआ। तो भाई ये था भाई, आराम से दर्शन करने में मिला, बहुत ही अच्छा लगा। दो तीन वीडियो और इसके पहले आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, और फिर मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय महाकाल।